आपके अपने ही करीबी आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपको हर्ट करते हैं, आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, आपके खुद के ही पर्सन ने अगर आपको बहुत ज़्यादा दुख दे दिया है, आपकी इज्जत गिराते हैं लोग, आपको वैल्यू नहीं देते हैं, आपकी और आपके पर्सन की बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि इसको नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपको नो कॉन्टैक्ट दिया है, आपसे रिलेशनशिप तोड़ करके चले गए हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं क्या रीयूनियन होने की कोई चांसेस हैं, क्या रिकॉन्सिलेशन होने के कोई चांसेस हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। तो आपके पर्सन के इमोशंस क्या आ रहे हैं आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, जानने की कोशिश करते हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। चलिए, कमेंट बॉक्स में अपनी विशेष ज़रूर लिखिएगा, अपने मैनिफेस्टेशन ज़रूर लिखिएगा, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन ज़रूर डालिएगा। आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं, किसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, किसको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को, जानते हैं क्या चल रहे हैं आपके पर्सन के इमोशंस आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पर्सन इनके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। तो दो डेक से हम ये रीडिंग को देखेंगे। पहला डेक मैं ले रही हूँ आपके पर्सन के इमोशंस आपके लिए। तो चलिए, एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, पीस, मनी एंड सक्सेस इन माई लाइफ। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए क्या चल रहा है इनके पर्सन के मन में इनको लेकर के। ऑल साइन रीडिंग है, कनेक्ट हो जाइए कार्ड के साथ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। फर्स्ट रीडिंग यहाँ पर आई है, फर्स्ट कार्ड यहाँ निकल करके आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड। पहला जो एनर्जीज यहाँ आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ सबसे पहले निकल के आई है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, तो पहले मैं कार्ड स्प्रेड ले लेती हूँ, उसके बाद हम रीडिंग को लेना स्टार्ट करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आई है। सन का कार्ड नेक्स्ट निकल करके आया है। तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं। एट ऑफ वॉन्ड का कार्ड निकल करके आया है, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन इनके बारे में, क्या एनर्जीज निकल करके आ रही हैं। जजमेंट का कार्ड आया है और एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ओके, तो ये एनर्जीज आई हैं आपके पर्सन की निकल करके आपके लिए। फाइन, लास्ट कार्ड देख लेते हैं। टेन ऑफ कप्स का कार्ड लास्ट आया है, ठीक है। तो ये एनर्जीज आई है आपके पर्सन की आपको लेकर के। अब नेक्स्ट एनर्जीज मैं ले लेती हूँ, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर के। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के बारे में। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दीजिए पर्सन के थॉट्स थर्ड पार्टी को लेकर के। पार्टनर क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को लेकर के, पर्सन के मन में क्या है थर्ड पार्टी को लेकर के। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फर्स्ट आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून नेक्स्ट आया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, फाइव ऑफ वॉन्ड, ये कार्ड्स यहाँ पर निकल करके आए हैं। ये कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, लास्ट का कार्ड यहाँ पर और देख लेते हैं। लास्ट का कार्ड यहाँ आया है, चैरियट का कार्ड। फाइन, तो देखिए यहाँ पर ये रीडिंग्स निकल करके आई हैं आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेके, आपके पर्सन के थॉट्स आपके थर्ड पार्टी को लेकर के। तो यहाँ देखो, जो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर ओपन हुआ था, दैट वाज नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो राशियाँ अच्छा यहाँ पे सारी ही आ चुकी हैं। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आ चुकी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी आ गई है। तो सारी ही राशियाँ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो जो प्रोमिनेंट, बहुत ही प्रोमिनेंट निकल करके आई है वो है कर्क।
ओके, कैंसर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली निकल करके आया है और एरीज मेष राशि यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट निकल करके आई है। ओके, देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं ये कार्ड्स की। सबसे पहले तो ये कि आपके पर्सन आपको यहाँ अकेला छोड़ करके गए हैं, आपको तन्हा छोड़ करके गए हैं, आपके इमोशंस के साथ उन्होंने खेला है, आपकी इनोसेंस के साथ उन्होंने खेला है। ठीक है, आप इनोसेंट हो, आप बहुत ही प्योर सोल हो, आपने किसी का गलत नहीं चाहा, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, यही चीज़ आपके पर्सन अभी आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपके आपको जिस हाल में छोड़ करके गए थे, जिस तकलीफ़ में आपके पर्सन आपको छोड़ करके गए थे, वो अभी बहुत ज़्यादा अभी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो मोमेंट, वो पल, वो टाइम, वो याद आ रहा है जब उन्होंने आपको अकेला छोड़ा था। आप उनके पीछे पीछे भागे थे, आप उनके लिए आपने उनके हाथ पैर भी जोड़े होंगे, आपने उनसे मिन्नतें मांगी होंगी, गिड़गिड़ाए भी होंगे कि ये क्यों मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैंने क्या किया है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन ने एक नहीं सुनी और यहाँ से चले गए। तो वो पल, वो मोमेंट, वो भी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन उनको वो फर्स्ट डे भी याद आ रहा है जब वो आपसे मिले थे। ठीक है, जिस दिन आप लोगों की मीटिंग थी, जिस दिन आप दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे, वो अभी इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर याद आ रहा है। आपकी इनोसेंस इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपका प्यार, आपका लव, आपका जो भी डिवोशन रहा, आपके जो भी एफर्ट्स रहे, वो अभी इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि उनकी तरफ कर्मा बहुत तेज़ी से आ रहा है, उनकी तरफ जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो जजमेंट का कार्ड यहाँ आया है देखो निकल करके। तो आपने कहीं ना कहीं अपने लिए न्याय मांगा होगा ऊपर वाले से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, एंजल से, कि आपको न्याय मिले। आपने किसी का गलत नहीं किया लेकिन आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, तो आपको न्याय मिले। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड निकल करके आया है जो कि आपके पर्सन को अभी समझ में आ रहा है। तो 8 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं देखो। तो आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपको छोड़ के जाने का कर्मा उन्हें मिल रहा है, आपको तकलीफ देने का कर्मा उनको यहाँ पर अपनी प्रेजेंट लाइफ में मिल रहा है। क्योंकि देखो बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर उनकी तरफ बहुत कर्मा आ रहा है, वो अपने एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रहे हैं, लेकिन मेहनत बहुत लग रही है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो अपनी इज्जत बचाते हुए दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने को छुपाते हुए दिख रहे हैं और आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी बातें कहीं ना कहीं उनके दिमाग में घूम रही हैं कि आपके साथ गलत जो उन्होंने किया है उसी का फल उनको ऊपर वाला अभी दे रहा है। आपका जो भोलेपन का फ़ायदा इन्होंने उठाया है, आपके प्यार को इन्होंने ठुकरा दिया, आपको धोखा दिया है, वो सारे पल, वो मोमेंट्स याद कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल उनको याद आ रहे हैं। आपके साथ अगर उनकी फैमिली है तो फैमिली, बच्चे, ठीक है, बच्चे बहुत याद आ रहे हैं अगर आपके पास बच्चे हैं। और वो अपनी गलतियों का एहसास अभी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने मन में खटक रहा है। उन्होंने आपके साथ जो भी अच्छे पल बिताए हैं, खुशियों भरे पल बिताए हैं, त्यौहार मनाए हैं, फेस्टिवल्स मनाए हैं आपके साथ, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। आप दोनों एक लेवल तक अच्छा, मतलब एक टाइम तक आपने बहुत अच्छी अपनी लाइफ जी है, प्यार भरी, इमोशंस भरी आप दोनों ने लाइफ जी है। आप दोनों साथ घूमने जाते थे, आप दोनों साथ में अपनी बातें शेयर करते थे, है ना, आप लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंट्स साथ में बिताए हैं। वो सारे पल अभी कहीं ना कहीं याद करते हुए वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उनको ये चीज़ बिल्कुल एहसास हो रहा है उनको कि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ उनसे समझने में गलत हुआ है आपको, है ना, आपके साथ शेयरिंग वो नहीं करते थे, या फिर अगर जो भी उनके मन में आता था अगर वो शेयर करते भी होंगे तो कहीं ना कहीं आप उन बातों को नहीं समझ पाते होंगे। आपने भी अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा इनके साथ शेयर नहीं किए हैं, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि आप दोनों ज़्यादा आपस में टाइम नहीं बिता पाए। आप दोनों ने बहुत ही छोटा सा पल, छोटा मोमेंट, छोटी लाइफ आप दोनों ने साथ में बिताई, उसके बाद आपके पर्सन आपसे सेपरेट हो गए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी बहुत आपसे अलग फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको ये चीज़ समझ में आ रही है अभी कि जजमेंट तो देखो है उनकी लाइफ में, हो रहा है उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं उनको कर्मा मिल रहा है उनके फलों का। उन्होंने जो अन्याय किया आपके साथ, जो दुख दिया उन्होंने आपको और छोड़कर यहाँ से आप जो चले गए हैं, ठीक है, वो एहसास उनको अभी, उनकी गलतियों का एहसास उनको हो रहा है।
ओके वो अभी देखो उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपने एफर्ट्स डाले थे, आपने एक 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 खुशी, आपने जो उनकी मतलब उनकी लाइफ में जो आपने खुशियाँ भरी हैं, उनको करियर में सपोर्ट करा है, उनको लाइफ में सपोर्ट करा है, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो इनके लिए, जब भी इनको आपकी ज़रूरत पड़ी है आप इनके साथ हमेशा खड़े रहे हो, वो मोमेंट्स इनको याद आ रहे हैं। ठीक है, इवन जहाँ जहाँ आप लोग मिलते होगे, जहाँ आप बैठते होगे, या जो भी जिस भी जगह आप लोग की मीटिंग पॉइंट होगा, जो भी बातें आप दोनों के बीच में होती होंगी, वो सारे मोमेंट्स वो अभी रिपीट कर रहे हैं सोचते हुए अपने मन में, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं? देखो एक ये आपके साथ जब आपके आपके साथ थे ना, आपके साथ जब टाइम स्पेंड कर रहे थे जी, या जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे, तो अचानक से कुछ एक समय का चक्रा घूमा। ठीक है, कुछ एक इस तरीके के मोमेंट्स इनकी लाइफ में आने शुरू हो गए कि ये आपसे डिटैच होते चले गए और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाते चले गए। ठीक है, ये भी दिखाई दे रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी एफर्ट्स डाले हैं, मतलब इनकी तरफ से जो बेस्ट हुआ इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप में दिया, लेकिन उसके बाद भी आप खुश नहीं थे, आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, या मैं ये बोलूं कि आप दोनों जब साथ होते थे तो ये अपने कुछ भी कर लें, ये अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करते थे। ठीक है, इन्होंने एफर्ट्स डालने की कोशिश ज़रूर की है आपके साथ, लेकिन चीज़ें बिगड़ती चली गई। ठीक है, या तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे इनको, या फिर आप इनके इमोशंस नहीं समझ पा रहे थे, या फिर कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ये इनसे जो बेस्ट बन पा रहा था ये वो तो कर ही रहे थे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस और शायद और ज़्यादा थी कि नहीं ये मेरे लिए सफिशिएंट नहीं, मुझे और चाहिए, या मेरे को मैं इस रिलेशनशिप में मेरे को ज़्यादा वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं, या मुझे मैंने जो तुमसे एक्सपेक्ट किया था वो मुझे नहीं मिला, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ का एहसास ना उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप उनको यही चीज़ बोलते रहते थे ज़्यादातर कि वो आपके साथ खुश नहीं है, राइट, या आप उनके साथ खुश नहीं है, या आप उनको कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, है ना, जो वो आपके पर्सन जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे इस रिलेशनशिप में आप उसको निग्लेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उनके जो एफर्ट्स हो रहे थे वो जो डालने की कोशिश कर रहे थे आपको फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंसेस आने शुरू हो गए, तो वही जो एक मोमेंट था वहीं पर ये कोई समय का चक्र घूमा है और सारी चीज़ें यहाँ पे ऑल ऑफ अ सडन बदल गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसने अपनी कुछ मजबूरियां दिखा कर के या तो आपके पर्सन को अपने जाल में फंसाया है कि मैं मजबूर हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, अकेली हूँ या अकेला हूँ, या फिर आपके पर्सन को एक्चुअली धीरे धीरे इसने अपने साथ कनेक्ट किया है, आपके पर्सन धीरे धीरे इस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हुए हैं, आपसे डिटैचमेंट होते होते ही इनके साथ कनेक्शन बना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहीं ना कोई ऐसे इंसान यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रही है या दे रहा है जिसको एक उम्मीद थी कि आपके पर्सन या तो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे या फिर इमोशनल सपोर्ट करेंगे, या फिर ये इमोशनल सपोर्ट करके या इमोशनल या फाइनेंशियल हेल्प करके आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच ले। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये इमोशंस के साथ खेलती है। ठीक है, ये बहुत बहुत डोमिनेंट नेचर की है ये थर्ड पार्टी, अपना इसको तलवार चलानी है, मतलब अपना ही उसको राज चलाना है, किंग की एनर्जी में ये दिखती है आपके पर्सन को, मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन इसको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि इसने किसी की सुननी नहीं है, थर्ड पार्टी बिल्कुल किसी की सुनती नहीं है, इसको जो करना है ये अपनी मर्जी से करती है, और इसकी कंटिन्यूसली ना जैसे किंग की एनर्जी कैसे होती है, डिसीजन इसी को लेना है, जितने षड्यंत्र रचना है ये खुद ही रचते हैं, राज किंग कैसे होते हैं। ठीक है, दूसरों पे फतेह करनी है, दूसरों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे थर्ड पार्टी की, जो कि आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी को के बारे में आपके पर्सन को ये भी समझ में आ रहा है कि इसने बड़ा ही अभी मतलब आपके पर्सन को फंसाने के लिए इसने भोलेपन का नाटक किया, सीधेपन का नाटक किया, बहुत चीज़ें इसने मैनिपुलेट भी की हैं, है ना, अपने को बहुत सीधा दिखाया है, इमेच्योर दिखाया है, और इसको ज़रूरत है आपके पर्सन की ये भी दिखाया है इसने, और इसने इमोशंस के साथ बहुत खेला है आपके पर्सन की, और इस तरीके से आपके पर्सन को अपने जाल में फंसा लिया है, जाल में फंसा करके अपने हाथ में रखा है कि आपके पर्सन शुरू शुरू में तो समझ ही नहीं पाए,
है ना कि क्या हो रहा है, लेकिन अभी आपके पर्सन यहाँ पर टेक चार्ज कर रहे हैं, आपके पर्सन ने सिचुएशन को टेक चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन अभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को समझ करके इसके ऊपर एक्शन प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, बहुत कुछ इनकी लाइफ में अभी ऐसा गलत चल रहा है जो कि इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो ये जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है, वो जो सेल्फिश रीजंस के लिए जो भी ऐड हुई है ये आपके पर्सन के साथ, तो वो कर्मा यहाँ पे देखो, ये इनका कर्मा ही लौट करके आ रहा है। मैंने बताया ना ऊपर, आप अभी इनको सिचुएशन ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपको दुख देने का, आपकी जो भोलेपन का, जो आपकी इनोसेंस का इन्होंने फ़ायदा उठाया है, आपकी लाइफ में दुख दिए हैं, झगड़े दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं, वही सब इनकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ अभी इनकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में भी यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं, एंड सिर्फ ये और थर्ड पार्टी ही नहीं, और भी लोग इस झगड़े में इन्वॉल्व हैं। इनको बहुत सारी बातें सुनाई जाती हैं, खरी खोटी बातें सुनाई जाती हैं, आपको इवन आपको लेकर के भी इन दोनों के बीच में झगड़े होते होंगे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ये भी डर लगा रहता है कि कहीं आपके पर्सन उसको छोड़ के आपके पास वापस ना चले जाए, वो कहीं ना कहीं स्टॉक भी करती है, नोटिस भी करती है आपके पर्सन को कि कहीं आपसे बात तो नहीं हो रही है, कहीं आपसे कोई रिलेशनशिप तो नहीं इस आपके पर्सन ने रखा हुआ है, या आपसे फ़ोन तो नहीं करते हैं, या आपसे बात तो नहीं करते हैं। तो इस बात तो कई बातों को लेकर के झगड़े होते हैं इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, जिसके लिए ये अभी कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ अभी बहुत हेल हो गई है, ठीक है। इनको इनका कर्मा तो मिल ही रहा है, थर्ड पार्टी को भी बहुत दुख झेलने पड़ रहे हैं, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं। तो अगर आपने कर्मा मैनिफेस्ट किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो ऑब्वियसली आपका आपको न्याय तो मिलेगा ही। यहाँ पर डिवाइन ने अपने कर्मा का चक्रा चला दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत कुछ एक्शंस प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ मैच्योर डिसीजन ज़रूर यहाँ पर वो लेंगे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। हो सकता है थर्ड पार्टी को ये अपनी लाइफ से निकाल दें, क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से काफ़ी कुछ काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कर्क राशि, कैंसर राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। तो आपके जो पर्सन है इनके इमोशंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इनको सही गलत का एहसास हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आप सही थे या थर्ड पार्टी, तो आप दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं अभी। एंड प्रेजेंटली वो यही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो भी इनकी लाइफ में आई है वो बहुत ही इनका गलत डिसीजन हो गया है। आपकी आपके साथ एक जो खुशियों भरे पल बिता रहे थे, देखो आपके आपके साथ आया था एंड ऑफ द डेक कार्ड 10 of Cups का, ठीक है। इनके साथ आया है चैरियट का और यहाँ पर आया है 5 of Wands का, ठीक है। तो झगड़ों के चलते, तकलीफ़ों के चलते, परेशानियों के चलते इनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ अभी फुल ऑफ चैलेंज हो गई है, फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई है। तो चेंजेस आ रहे हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। और वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो इनको इनको कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी से दूर कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन से डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी और आप में कंपैरिजन बहुत कर रहे हैं, सही गलत का एहसास अभी इनको हो रहा है। तो ये रथ पर सवार हो चुके हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने के लिए। तो कहीं ना कहीं अभी ये डिसीजन ज़रूर लेंगे आगे आने वाले टाइम में, जैसे ही इनके हाथ में काबू में चीज़ें आ जाएंगी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकल जाएंगे। तो अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं रीयूनियन, रिबॉन्डिंग, रिकॉन्सिलेशन, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोग इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं तो आप लिखिएगा मूव ऑन, या फिर आप लिख सकते हैं ब्रेकअप। और अगर आप लोग अपने अपनी लाइफ में कोई न्यू पर्सन को चाहते हैं, इस पर्सन की शक्ल भी आपको नहीं देखनी है, आप इस पर्सन की लाइफ से बहुत दूर जा चुके हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा न्यू पर्सन, क्योंकि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तो भी पर्सन एंटर करने वाला है, ठीक है। या तो ये यहाँ से निकल करके, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये अपना रथ यहाँ से निकालेंगे और आपके पास ला करके खड़ा करेंगे। एंड देखो यहाँ पर भी ये चैरियट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। रथ कौन चला रहा होता है? घोड़ा चला रहा होता है। यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आपके लिए फर्स्ट आया था, ठीक है। तो अगर हो सकता है यहाँ से ये निकल करके आपकी लाइफ में वापस एंट्री करेंगे और आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ एक आपको कुछ दे सकते हैं, आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं और एक पॉजिटिविटी के साथ आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे अपनी किए की माफ़ी मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर होने वाला है या एंटर ज़रूर होगा, जो आपकी लाइफ में खुशियों
खुशियां भरेगा। तो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, अगर हाँ तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो ये वीडियो औरों तक पहुंचेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।